देखिए, आप अगर बात करें फ्रेकल्स की या मुलाजमा की, तो वो कभी भी ठीक नहीं होता, वो कम हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जिसको बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम मैं एक बात कहती हूँ कि छाइयां जो है ना, वो तमाम उम्र हमारे साथ रहती हैं। आप उनको कंट्रोल करना सीखे, सबसे पहले तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। हो सकता है आपका एचपी लेवल का कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से भी छाइयां पड़ जाती हैं। अक्सर खवातीन को प्रेगनेंसी में भी पड़ जाती हैं, नींद पूरी ना होने से भी पड़ जाती हैं, और उसके बाद आपको टेंशन से भी पड़ जाती है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसका रीजन क्या है। अगर इनमें से कोई रीजन नहीं है, तो फिर आप अपने घर में पपाया, पपीता ले लें, एक पपीता ले लें। उसका आप, पपीता इतनी अच्छी चीज है कि आप उसको गोल्ड, मतलब मैं उसको कहती हूँ कि ये एक तरह का गोल्ड है स्किन के लिए, इतनी अच्छी चीज है स्किन के लिए। पपीते को आप थोड़ा सा मैश कर लें, मैश करके डायरेक्ट वो अपने फेस पे, कुछ भी ना डालें और अपने फेस पे वो अप्लाई करें रोजाना 10 मिनट। आपको किसी फेस वॉश की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी छाइयां भी टाइम के साथ कम होती चली जाएंगी। दूसरी बात, टमाटर। टमाटर हमारा एक नेचुरल ब्लीच है। अगर हम उसको कहें कि हम जो ये बाजार की ब्लीच करते हैं, ये एक आपको नेचुरल ब्लीच अल्लाह ताला ने घर में दिया है। टमाटर को आधा काटें, उसके अंदर थोड़ी सी शुगर, शक्कर जो होती है ब्राउन शक्कर डालें, और उसको अपने फेस पे ऐसे ऐसे सर्कल मोशन में अप्लाई करें, और आप देखेंगे विद इन फ्यू डेज आपकी छाइयां खत्म नहीं हुई तो कम जरूर होंगी। खत्म करने के लिए आपको साथ आपको फोलिक एसिड लेना पड़ेगा, आपको मेडिसिन जरूर खानी पड़ेगी। एक्चुअली ये दोनों तरह से इलाज होता है छाइयों का, आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, आपको ऊपर से भी इलाज करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कोई ये कहता है कि 2000 की क्रीम है या 4000 की क्रीम है, या मैं आपको क्रीम बना दूंगी और आप ये इस्तेमाल करेंगे तो छाइयां खत्म हो जाएं, तो खुदा रा मत आए किसी की बातों में। ऐसा कोई जादू नहीं है कि 2000 की क्रीम से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। ये वो चीजें हैं जो आपकी स्किन की अपर लेयर जो डर्मिस होती है, इसको डेड कर देते हैं, उतार देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपकी स्किन थिन हो जाती है। नीचे वाली स्किन तो वैसे आपकी बेबी स्किन होती है, वो निकल आती है, आप समझते हैं आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। फिर जिस वक्त आप वो क्रीम छोड़ते हैं, आपके स्किन पे दाने भी हो जाते हैं, बाल भी ज्यादा हो जाते हैं, स्किन खराब भी हो जाती है। तो इन चीजों से प्लीज बचें। केले का छिलका बहुत, देखिए आपको मैं उन चीजों का बता रही हूँ जिनको आप बिल्कुल फेंक देते हैं। केला हमारे घर में खाया जाता है, छिलका फेंक दिया जाता है। मेरे घर में केला खाया जाता है, छिलका फ्रीज कर लिया जाता है। अच्छा। केले को लें और उसका जो अंदर वाला हिस्सा है ना, उसको आप अपने चेहरे पे लगाएं, अपने हाथों पे लगाएं, अपने दांतों पे लगाएं, आप देखें आपके कितना अच्छा आपकी स्किन हो जाएगी। फिर उसी केले को आप ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करने के बाद साफ हो जाते हैं जो है। जी बिल्कुल, जैसे दांतों पे स्टेन पड़ जाते हैं स्मोकिंग करने से, दांत दांत पीले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, वो बहुत अच्छा उसके लिए है। केले का छिलका नहीं फेंकना चाहिए। फिर अगर जैसे फेस पे एक्नी हो रहा है, आप थोड़ा सा वो पीस केले के छिलके का काट के उसको लगा दें, टेप लगा दें ऊपर, 15 मिनट बाद आप हटाएंगे, आपका एक्नी बिल्कुल गायब हो चुका होगा।